हेलो। हाँ भाई। अरे यार, मैंने सुना है वो तेरी गर्लफ्रेंड को बवासीर हो गया। अरे तू टेंशन मत ले यार, कोई बात नहीं। मैंने देखो मना भी किया था यार, उसको चाउमीन और मोमोज मत खिलाया कर। तूने इतने चाउमीन चाउमीन और मोमोज खिला दिए, बता बवासीर करा दिया। अरे कमाल की बात तो ये है ना कि मोमो चाउमीन तो खाए खाए वो भाई चटनी उंगली से चाट चाट के खाती थी। बवासीर तो होना ही था और क्या। अब एक काम कर, मेरे पास एक इलाज है। वो पहले चाउमीन और चटनी खाती थी तो बवासीर हो गया। अब एक काम कर। हाँ नहीं, अब तू ये कर कि तू उन्हें ना बेसन के लड्डू खिला। हाँ अभी नहीं, हंस नहीं रहे हैं वो लोग तो अपना। अबे वो तेरे पे नहीं हंस रहे यार, तेरी गर्लफ्रेंड पे नहीं हंस रहे, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं लोग, हमें उनसे क्या। तो तू उन्हें बेसन के लड्डू खिला, फिर उन्हें मीठी मीठी चटनी आएगी। और उनका ना बवासीर भी ठीक हो जाएगा। हेलो। हाँ पापा, आप बोलते थे ना मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करो बड़ा करो। फाइनली मैंने कच्चे धोने का ठेका ले लिया। अब इसमें कोई ये बड़ा काम ही है, पता है मुझे कच्चे धोने का जैसे ही मैंने अनाउंसमेंट करी, अब मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को 200 कच्चे धोने का ठेका भी मिल गया। बताओ, अब हर तरीके के कच्चे धोऊंगा, छेद वाले कच्चे, फटे हुए कच्चे, छोटे कच्चे, बड़े कच्चे। तो क्या हो गया पापा, कच्चे में चाहे 2 छेद हो चाहे 6 छेद हो, मैं तो धोऊंगा। मैंने टेंडर भर दिया और 200 कच्चे का ठेका मिल गया मुझे सोसाइटी के, पूरी सोसाइटी के कच्चे धोऊंगा मैं। अरे लोग कुछ भी समझे, मुझे क्या लेना देना लोगों से। और तो और सबसे बड़ी बात, मैंने तो दुकान का नाम भी सोच लिया, शर्मा कच्चे वाला। हाँ तो पापा क्या हो गया आपके नाम पे है तो, बल्कि आपको आपको तो गर्व होना चाहिए, आपके बेटे ने आपके नाम पे दुकान खोली है, इतना अच्छा नाम रखा है शर्मा कच्चे वाला। मैं तो धोऊंगा सबसे फटे फूटे, सारे कच्चे धो मारूंगा, देखना आप चाहे कुछ भी हो जाए, बड़ा काम करूंगा जिंदगी में, इससे बड़ा कोई काम नहीं मिला मुझे, यही काम सबसे बड़ा है।